क्या क्या कह रही हो? करीम की डेथ हो गई है? आंटी, मुझे भी इस बारे में अभी अभी पता चला है, मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मायर को इस खबर का किसी सूरत इल्म नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना कि वो कितना सेंसिटिव है। अगर उसको पता चल गया कि अनाया के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो वो उसके पास दौड़ा चला जाएगा। पर हमने इतनी मेहनत से इतना कुछ करके ये जो उनके दरमियान फासला क्रिएट किया है, ये खत्म हो जाएगा और हम ये नहीं होने दे सकते, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मायर को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। मायर घर पर ही है ना? तुम्हारा आइडिया अच्छा था। जब से बीमार पड़ी हूँ वो घर से हिला तक नहीं। वैसे आंटी, आपने एक बात नोटिस की है, अनाया के इस घर से जाने के बाद कितना सुकून है ना? सुकून तो है मुनीजे, मगर मेरा बेटा खुश नहीं है। मैं उसको इस हाल में देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। मैं उसे कुछ देखना चाहती हूँ। I can't see him like this, मुनीजे। He's hurt. I'm really sorry. मैं जानता हूँ कि मैंने पिछले दिनों में आपको बहुत दिल दुखाया, हर्ट किया आपको, डिसअपॉइंट किया मैंने। फिर मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूँगा। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटी, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटे। प्लीज सब दुखों और गमों से निकल आओ, खुश रहने की कोशिश करो मेरे बच्चे।